ये आपकी पर्ची रहेगी जिसमें आपकी गाड़ी का नंबर रहेगा, इसमें तारीख रहेगी, टाइम रहेगा, ठीक है जी। ये गाड़ी का नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं कहीं है, पता नहीं क्या लिख रहा है, पता नहीं क्या है। जो फीस है ना वो रहेगी, टैक्सी कर लो तो फायदे में रहोगे, आपकी गाड़ी बच जाएगी कूड़ा होने से। पहली बार आया हूँ मैं इधर, वैसे दूसरे चक्कर लग गया लेकिन इधर पहली बार आया हूँ स्कूल पे। हाँ जी, हेलो 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 दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में एंड गुड मॉर्निंग। ऋषिकेश से अब निकल रहा हूँ मैं फाइनली, और अपना फेस जो है मैं आगे चल के दिखाऊंगा। 10-15 किलोमीटर पहले चल रहे थे क्योंकि अभी जो है मौसम काफ़ी सुहाना हो रहा है सुबह सुबह का, और गाड़ियाँ जो है अभी नई निकली ज़्यादा, तो कोशिश ये करेंगे 10-15 किलोमीटर पार कर ले आराम से जब धूप थोड़ी निकल आएगी, क्योंकि अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। और लास्ट वीडियो आपने देखी हो तो अगर नहीं देखी तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर मैंने नीलगढ़ वाटरफॉल दिखाया था आपको एंड अपना एक काफ़ी सस्ता सा एक बढ़िया सा होटल दिखाया था, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं यात्रा को, और यात्रा क्या हमारा सफ़र शुरू करते हैं, और उसके बाद जो है इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा, इस वीडियो में क्या आपको पूरा सफ़र दिखाने वाला हूँ किस तरीके का रास्ता और रहता है ऋषिकेश से। अगर आप सोनप्रयाग तक जाते हैं बाई बाइक या फिर बाई अपने व्हीकल जाते हैं, अपने कोई भी व्हीकल लेकर जा रहे हो, चाहे आपके पास कार हो या फिर बाइक हो या फिर स्कूटी हो, किस तरीके से भी आप जा रहे हो सोनप्रयाग तक, अगर आप केदारनाथ पहुंचना चाहते हैं तो आपकी जो मेन डेस्टिनेशन रहने वाली है वो सोनप्रयाग रहने वाली है एंड लास्ट डेस्टिनेशन रहने वाली है फॉर योर व्हीकल, राइट। उसके बाद जो है आपको पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जो हम करवाएंगे आपको अगली वीडियो में, लेकिन आज की इस वीडियो में चलो ले चलते हैं। और आज हम निकलते हैं, और काफ़ी जगह बहुत टाइम हो चुका है मैंने वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन समझा करो ट्रैवलिंग के दौरान जो है हो नहीं पाता पॉसिबल एडिटिंग, तो इसी वजह से ये वीडियो भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा लेट आए, लेकिन ट्राई करेंगे कि जल्दी आ जाए हमारी वीडियो। लेकिन चलते हैं, देखो गाड़ियाँ कुछ तो हैं निकलनी शुरू हो गई है। मैंने एक चीज़ देखी यहाँ पे कि कुछ लोग दिल्ली से हरियाणा HR 26 वाली गाड़ी सबसे ज़्यादा देखी है मैंने यहाँ पे, और बाकी आप लोगों को क्या लगता है वो कमेंट में बताना। लेकिन सफ़र अभी तो शुरू हुआ है और बाकी आगे देखते हैं कैसा जाएगा। लगभग 15 किलोमीटर आ चुका हूँ और रास्ता अभी तक जो है बहुत अच्छा है, और उत्तराखंड गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए सैल्यूट भी करना चाहिए कि काफ़ी अच्छा रास्ता बना रखा है यहाँ तक का। एंड अगर बात करें जिस तरीके से अभी ये ढलान आया था, तो ये ढलान केवल तभी आएगा जब कोई पुल आने वाला होगा, जब भी कोई ब्रिज आएगा तो ये पुल मतलब जो रास्ता एकदम ढलान की तरफ जाएगा, मतलब कि क्योंकि पुल ऐसा है कि ऊँचाई पर तो बनाया नहीं है इन लोगों ने, तो पुल जितना नीचा हो सकता है इतना नीचा करते हैं, इसीलिए रास्ते को ढलान तौर बनाया गया। जैसा अभी ढलान पर आया तो अभी मुझे इतना ही चढ़ना पड़ेगा ऊपर की ओर, तब जाकर रास्ता जो है बिल्कुल वो हो जाएगा समतल, लेकिन अभी तक तो इतनी चढ़ाई खैर आई नहीं है। और बाइक की स्पीड की बात करूं तो बाइक जो है अभी फ़िलहाल में 50-60 की स्पीड में चल रही है, तो आगे ही रोकेंगे 15 किलोमीटर चलिए अभी तो, खैर अभी 15-20 किलोमीटर और चला देता हूँ, उसके बाद बाइक को रोकूंगा आगे तो कुछ नाश्ता करूँगा, क्योंकि अभी तो 7 भी नहीं बजे हैं, 7 बज जाएंगे उसके बाद थोड़ा सा कर लेंगे नाश्ता, क्योंकि अभी पूरा दिन पड़ा आराम से खाएंगे पियेंगे। लेकिन जो जाम है फिर जाम लग जाएगा, फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अभी निकालने की कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा निकल पाएगा इस रास्ते को। बाकी मज़ा आ रहा है, ये मेरा सपना था कि मैं ऐसे रास्ते पे ड्राइव करूँ, ऐसे रास्ते पे बाइक चलाऊँ। मैं ही 100 सीसी की बाइक लेके आया हूँ, लेकिन एक आदमी जो है
स्प्लेंडर ले अपनी स्प्लेंडर तो लेके जा ही रहा था, साथ ही साथ जो है उसके पीछे दो तीन वो और आई टीवीएस लेके जा रहे थे। बताओ यार, मतलब हमारे देश में तेजस्वी लोगों की कमी नहीं है, लोग जो है टीवीएस लेके भी चढ़ जाते हैं और कुछ लोग तो स्कूटी लेके वहाँ चले जाते हैं केदार लद्दाख। तो टीवीएस क्या चीज़ है? और अगर मैं बाकी बात करूँ रास्ते की, तो रास्ता एक नंबर है और सुहाना जो है अभी व्यू दिखना शुरू हो गया, काफ़ी खूबसूरत व्यू दिखना शुरू हो गया, धूप भी निकल आई है। तो रास्ता जो है अभी तक खैर सही है, और मैंने सुना है, और क्योंकि मैं पिछले साल भी आ चुका हूँ तो मैंने देखा है कि श्रीनगर और इससे आगे यानी कि रुद्रप्रयाग का रास्ता एक नंबर बना हुआ है, बहुत बड़े रास्ता बना हुआ है। तो हो सकता है कि वहाँ तक हमें लैंडस्लाइड या काफ़ी ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली किसी भी तरीके की, तो वहाँ तक तो रास्ता खैर अच्छा ही है, और जितना हो सकता है उतना हम ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी वहाँ तक पहुँच सकें, क्योंकि अगर जाम लगना शुरू हुआ तो फिर आगे की बात तो आप जानते ही हैं कि पहाड़ों का जो जाम है वो 2 से 3 घंटे तक लग ही जाता है। बाकी ये नज़ारे देखो, और अगर रास्ते की बात करें ना, और अगर रास्ते की बात करें तो रास्ता भी जो है कुछ किलोमीटर यानी कि करीब 4 से 5 किलोमीटर चढ़ाई आई थी, जब मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि चढ़ाई में क्या है कि बाइक लोड लेती है, और अब जो है पूरा रास्ता शायद 2 से 4 किलोमीटर ढलान का है, और मैंने वीडियो दिखा दी है कि वीडियो को चालू करूँगा वो करूँगा मैं संगम पर जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती हैं, वहाँ पर रोकूँगा वीडियो को और वहीं से वीडियो को चालू करूँगा, वहीं से कुछ खाऊंगा तब आगे बढ़ूँगा। तब तक कैमरे को रखते हैं अंदर जेब में और चलते हैं ढलान में, 60 की स्पीड पर जा रही है क्योंकि बाइक जो है 60 की स्पीड तक पहुँच रही है, जब पहुँच ही रही है तो हम भी पहुँचाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो सामने हमारे महादेव खड़े हैं शिवलिंग के साथ, सामने हमारे महादेव खड़े हैं, पास में ही शिवलिंग है और सामने मंदिर है, मंदिर का नाम है शिव शक्ति स्थल, और यहाँ इसके पीछे आप रास्ता देख रहे होंगे तो इस रास्ते से आए हैं हम लोग, मतलब करीब करीब ये 3.5 किलोमीटर का ढाल था। अब जैसे ही ढाल आता है वैसे ढाल आने के बाद जो है चढ़ाई शुरू हो जाती है, अब चढ़ाई जा रही है पूरी, ये जो जानी है कम से कम होगी ऑलमोस्ट 3 से 4 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पीछे अभी एक पुल था जिस वजह से ये चढ़ाई थी, और महादेव का मंदिर का और पीछे गुरुद्वारा भी है एक, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था मैं चाह रहा था कि यहाँ पर रुकूं और देखूं मंदिर कैसा है, लेकिन आज मौका मिल पाया क्योंकि आज हम बाइक से आए हैं, और अपने वाहन से आने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही रहता है कि जब मन चाहे तब रुको, जहाँ मन चाहे वहाँ रुको और जितनी देर चाहो उतना रुको, जो देखना वो देखो, फोटो खींचने फोटो खींचो, वीडियो बनाने वीडियो। संगम देख लो दोस्तों, इधर से आ रही है भागीरथी माता, यहाँ से अलकनंदा, और वो जा रही गंगा। देखो जी मछली के लिए इस प्रकार से आटा दिया जाता है मंदाकिनी में डालने के लिए, ठीक है, नदी में मछली आती है वहाँ संगम पे। पहली बार आया हूँ मैं इधर, वैसे दूसरे चक्कर लग गया लेकिन इधर पहली बार आया हूँ इस पुल पे, और बाइक का रिस्क लेकर आया हूँ, बाइक मैंने वहाँ खड़ी कर दी है बाहर, देखते हैं क्योंकि बहुत लोगों की बाइक खड़ी है, मेरा सामान ही बन रहा है, चला जाएगा क्या करेंगे, मेरा कपड़े ही हैं बाकी, मेरा और क्या है, हाँ कपड़े ही हैं इसमें और क्या है, और रस्सी है बस, बाकी सामान तो मेरा इसमें पीछेस। तो उस पुल से होकर संगम पर जाकर मैं नहाकर आ गया हूँ, स्नान मैंने कर लिया है और अब मैं चलता हूँ क्योंकि एक फ़ोटो भी ले लिया है मैंने छोटा सा, ये फ़ोटो देखिए, और अब निकलते हैं अपने सफ़र पे क्योंकि हमें अभी आगे और जाना है। अब मुझे जैसे मैं देख रहा था ना सामने से रास्ता दिखाई दे रहा था, ये वही रास्ता है, ऐसे ऊपर चढ़ते 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 संगम मुझे एक बार फिर से दिखेगा। देखो दोस्तों ये है वो रास्ता जो जाएगा, इस रास्ते से हम आए हैं और इस रास्ते पर भागीरथी है, दिखाता हूँ भागीरथी और दिखाता हूँ पास जाकर, एक मिनट, ये देखो सामने से वहाँ संगम मिल रही है। देखो जी रास्ता ऐसा है, अब चढ़ाई तो हो सकता है मुझे अभी 1.5 किलोमीटर तक चढ़ाई मिली नहीं है, लेकिन रास्ता देखो ये सामने जा रहा है, इस रास्ते पहुंचना है, और अब रास्ता जो है
ना तो चढ़ाई है ना ढलान, ना चढ़ाई ना ढलान, जैसे होता है ना प्लेन में, ऐसा ही है बिल्कुल इनका रास्ता। तो ये सामने रह गया रुद्रप्रयाग 31 किलोमीटर और बद्रीनाथ 181 किलोमीटर रह रहा है यहाँ से, लेकिन हमें पहुँचना है सोनप्रयाग। और अब हम एंटर कर चुके हैं श्रीनगर के अंदर, यहाँ पर थोड़ी देर रुकूँगा, ब्रेकफास्ट करूँगा और मैंने सुना है कि यहाँ पर छोले पराठे होते हैं वो काफ़ी टेस्टी मिलते हैं, तो उसे ट्राई करेंगे कैसे हैं। और बाकी जाम भी लग रहा है, थोड़ा यहीं रोक लेते हैं भाई ने बाइक। ये श्री आनंद होटल मोड, इसके आगे एक होटल है छोटा सा, देखते हैं इसमें आसपास हो तो यहीं देख के यहीं रोकते हैं, क्योंकि मैंने सुना था पता नहीं कौन सी दुकान है, उस दुकान पर खाएँगे रुक कर। बाकी इतनी फेमस नहीं लेकिन खाना अच्छा मिलता है उस पर। हाँ तो चलो, बाकी यार जाम लगना शुरू हो चुका है और श्रीनगर ये सामने लोग एंटर कर चुके हैं। अब यहीं रोक लूँ तो इस साइड में, ये रहा सामने बोर्ड लग रहा है श्रीनगर का, साइड में रोकता हूँ क्योंकि सुबह के 9:30 के करीब बज गए हैं और भूख लग रही है, तो देखते हैं कहीं आसपास होटल हो तो इसी होटल पर रोक लेते हैं चलो साइड में, और यहाँ से खा के तब निकलेंगे अपने आगे का सफ़र। देखो बहन जो कितना लंबा जाम लगता है पहाड़ों में। मैंने खरीदी यहाँ से जो है 1 किलोमीटर लंबा जाम लग रहा था, लगभग लगभग 1 किलोमीटर लंबा जाम। जाम का कारण क्या, केवल कारण यही था कि एक जो लोडिंग ट्रक होता, लोडिंग ट्रक वाले ड्राइवर ने एक कार में टक्कर मार दी और इस वजह से इतना लंबा जाम लग गया, बहुत लंबा, लगभग किलोमीटर लंबा जाम लग गया, इधर साइड से भी उधर साइड से भी, दोनों साइड से जाम लग गया। और जैसे कि जानते हैं कि पहाड़ों में जो रास्ता होता है वो सिंगल साइड का होता है, एक ही मतलब रास्ता होता है आने जाने वाला भी वही होता है सेम, इस वजह से 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, मतलब जहाँ से मैं निकल जाते हैं। फिर यही होता है जब आप अपनी गाड़ी लेके आते हैं और चलानी आती नहीं है आपको, अगर आओ तो कहीं टैक्सी कर लेना, एक तो फायदे में रहोगे। टैक्सी कर लो तो फायदे में रहोगे, आपकी गाड़ी बच जाएगी कूड़ा होने से, जैसे उस आदमी की गाड़ी कूड़ा हो गई। वैसे गलती दोनों की है, उसने गलत जगह पार्क करी और ट्रक वाले ने देखी नहीं, क्योंकि सिंगल रास्ता में कहाँ तक देख लेगा अगला आदमी, तो उसकी साइड से घिस गई। ये कभी कभी इंसिडेंट होते रहते हैं। कुछ भी कहो, 1 किलोमीटर मेरे को जो है कम से कम 2 किलोमीटर तक, यानी कि पीछे से गाड़ियाँ नहीं आने वाली, गाड़ी आएंगी तो सामने से आएंगी, पीछे का रास्ता तो बिल्कुल जाम में पड़ा है और वो जाम जो है अब 1 से 2 घंटे खींचने वाला है आराम से, जब तक प्रशासन आके उस गाड़ी को ना हटाए और उस ट्रक को ना हटाए, तब तक ये जाम नहीं होने वाला क्लियर। तो इसी के साथ ही मेरी बाइक ने भी 13,333 किलोमीटर का अपना सफ़र पूरा कर लिया है। जय श्री राम। अभी और चलना है करीब करीब 70-80 किलोमीटर और जाना है अभी, और करीब 11 बज चुके हैं, यानी कि 70-80 किलोमीटर का सफ़र मुझे लग रहा है 3-4 घंटे ले जाएगा, लेकिन जो भी है जैसा भी है पहुंचेंगे और क्या करेंगे। हैं जी, हैं जी, सही कह रहे हैं ना जी। ये देखो मेरे चारों तरफ घाटियां हैं और घाटियों के बीच में बना हुआ है ये मंदिर, जो कि काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है। इस मंदिर का नाम क्या है वो मैं आपको गूगल से देखकर बताऊंगा। देखो रुद्रप्रयाग जिले से पहले जो है यहाँ पर आपका रास्ता फटता है, यानी कि यहाँ से रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। ये सामने वाला अगर रास्ता जाओगे तो बद्रीनाथ पहुँच जाओगे, और केदारनाथ के लिए ये वाला रास्ता, केदारनाथ यहाँ से केवल अब 80 किलोमीटर रह गया है, लेकिन हमारा जो बाइक जाएगी वो केवल सोनप्रयाग तक जाएगी, सोनप्रयाग के बाद गौरीकुंड जाना होगा जीप से, उसके बाद बाकी सब चीज़ें आगे बात कर लेंगे, लेकिन ये याद रखना चाहिए।
शाम के बज गए लगभग 4:30, यानी कि 4:28 हो चुके हैं। टाइम मैंने देख लिया, मैं सोचा था कि 3 बजे तक आ जाऊंगा, लेकिन 4:30 बज ही गए। और इस बार जो है बारिश की वजह से, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार काफ़ी ज़्यादा बारिश पड़ रही है, वरना हमारी जो बाइक है ये गोरीकुंड भी जाने देते, जो कि यहाँ से 5.5 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है, ऑलमोस्ट 5 मान के चलते हैं, 5.2 पड़ता है वो, तो 5 बोलते हैं सब लोग, तो हम भी 5 बोलेंगे, तो 5 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है गोरीकुंड, गोरीकुंड चले जाते हैं अगर बारिश ना पड़ती। तो बारिश पड़ने की वजह से अब जो है हमें अपनी बाइक यहाँ सोनप्रयाग की पार्किंग में पार्क करनी पड़ रही है, जिसमें अगर मैं आपको बता दूँ कि पार्किंग फ़ीस क्या है, तो पार्किंग की जमीन मैं आपको ये दिखा देता हूँ, एक मिनट, ये पर्ची है देखो, ये आपकी पर्ची रहेगी जिसमें आपकी गाड़ी का नंबर रहेगा, इसमें तारीख रहेगी, टाइम रहेगा, ठीक है जी। ये गाड़ी का नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं कहीं है, पता नहीं क्या लिख रहा है, पता नहीं क्या है। जो फीस है ना वो रहेगी 24 घंटे के लिए ₹50, 24 घंटे के लिए ₹50 आपकी जो है फीस रहेगी पार्किंग की। और अब मैं देखता हूँ कि मुझे डोरमेट्री कहाँ सस्ती मिलेगी, यहाँ सस्ती मिलेगी या वहाँ सस्ती मिलेगी, ऊपर गोरीकुंड में ये चीज़ देखनी है, जहाँ मुझे सस्ती मिलेगी वहाँ गोरी वहाँ पे अपना जो है डोरमेट्री लूँगा, उसके बाद सुबह 4 बजे कर देंगे अपनी चढ़ाई शुरू वहाँ के लिए। आओ आओ लगाओ लगाओ भाई लगाओ, फिर शुरू करेंगे अपनी चढ़ाई केदारनाथ के लिए कल सुबह। आज तो आराम करूँगा या सोनप्रयाग में या गोरीकुंड में कहीं भी देख के जगह।